फ्रेंड्स, तो आज फार्मास्यूटिक्स में आपके साथ एक नया टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज द साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मीन साइज को रिड्यूस करना फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स की। जैसे फार्मास्यूटिक्स में जो मेनली हम जो सब्जेक्ट है आपका, वो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म के साथ रिलेटेड है। जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें करीब मैंने आपको 50 के करीब फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स पढ़ाई थी, और आगे हम उन्हीं के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हर टॉपिक में कि कैसे हमने साइज रिड्यूस करना है, कैसे हमने साइज सेपरेट करना है। या पीछे वाले टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पैकेजिंग क्या होती है, या साइज रिड्यूस साइज सेपरेशन करना है, या टैबलेट्स कैसे बनेंगी, ऑइंटमेंट्स कैसे बनेंगी, एक्सट्रैक्शन कैसे होगी। तो आपके जो फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स के लिए यूज होते हैं। तो इनमें से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइज रिडक्शन, काफी छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो साइज रिडक्शन के टॉपिक के अंदर जो हम आज स्टडी करेंगे, जो मेन टॉपिक है, मैं आपको उसमें बताऊंगी कि व्हाट इज द साइज रिडक्शन। टॉपिक्स आप इसमें एक बार नोट कर लें कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस ऑफ द साइज रिडक्शन। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल इफेक्ट्स द साइज रिडक्शन। व्हिच टाइप ऑफ मशीनरीज या इक्विपमेंट्स और मेथड्स आर यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। तो ये चीजें में हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। ये जो टॉपिक है इसके लिए आप एसपी अग्रवाल या एके गुप्ता, जो भी डिप्लोमा लेवल की बुक्स हैं या चाहे तो डिग्री लेवल की बुक आप रेफर कर सकते हैं। इसमें मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ रिव्यू दूंगी, इसमें आप मेन मेन पॉइंट्स मैं ये जरूर कहूंगी कि कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको इस लेक्चर का समझने के साथ साथ आप नोट करोगे तो आपको ये लेक्चर जो है या ये टॉपिक्स पढ़ने ईजी हो जाएंगे, इनको समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस टू रिड्यूस द साइज ऑफ pharmaceutical dosage forms, pharmaceutical dosage forms to a desirable range, to a desirable range। साइज रिडक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि हम फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स जो होती हैं उनका साइज एक डिजायरेबल रेंज तक रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ जो डिजायरेबल जो रेंज मैंने एक वर्ड लिखा है, डिजायरेबल रेंज का क्या मतलब है? डिजायरेबल रेंज का मतलब है कि जैसे बहुत सारे डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है तो हर एक डोसेज फॉर्म का अलग अलग पार्टिकल साइज होता है। ऐसा नहीं है कि हम पार्टिकल साइज जो है इनका बिल्कुल फाइन पार्टिकल साइज तक रिड्यूस कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें इनका जो साइज है वो एक पर्टिकुलर रेंज तक, जैसे आगे साइज सेपरेशन के टॉपिक में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायरेबल रेंज, कि जैसे कोर्स पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं। या एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे जो एफर्विसेंट ग्रेन्यूल्स हैं उस केस में ग्रेन्यूल्स का साइज काफी बड़ा होता है, जो डस्टिंग पाउडर है डस्टिंग पाउडर में पार्टिकल्स का साइज बड़ा छोटा होता है। तो डिजायरेबल रेंज का मतलब है कि जो हमें उसकी रेंज चाहिए डोसेज फॉर्म की, उस रेंज तक उसको रिड्यूस करना पार्टिकल साइज को, उसको हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे अगर सपोज आपके पास कोई टॉपिक आ जाए, व्हाट इज द क्रशिंग, व्हाट इज मिलिंग, व्हाट इज ग्राइंडिंग, या व्हाट इज पल्वराइजेशन। ग्राइंडिंग और व्हाट इज पल्वराइजेशन, हो सकता है स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो, दैट आई विल बी सॉरी फॉर दैट। क्रशिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग,
pulverization, कोई भी अगर आप इसमें टर्म यूज कर रहे हैं, these all are the synonyms of the size reduction. तो कहीं भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, इनमें से रिलेटेड अगर कहीं भी कोई टॉपिक आ जाए, कोई भी डेफिनेशन आ जाए, आप उसमें बेहिचक साइज रिडक्शन के बारे में लिख सकते हैं. तो चलिए अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइज रिडक्शन. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइज रिडक्शन. ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स के केस में मैं आपको इसको याद करने का या समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका समझाऊंगी. सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट है, साइज रिडक्शन को जो है हम क्यों रिड्यूस करते हैं, दैट इज फॉर इम्प्रूवमेंट इन द इम्प्रूवमेंट इन अपीयरेंस. अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन द अपीयरेंस. अब इसके केस में अगर हम कहें कि अपीयरेंस हमें जैसे जो आपके सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, जेलीज हैं, जेल्स हैं या पाउडर्स हैं, क्रीम्स हैं, अगर उनके केस में जो आपकी डोसेज फॉर्म्स हैं, अगर उनका पार्टिकल साइज आपको ग्रिटीनेस महसूस होगी, अगर वो पार्टिकल साइज आपको सही नहीं लगेगा, तो मतलब फील करने में आपको लगेगा कि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं या फाइन पाउडर्स हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है तो इट विल बी नॉट बी द एलिगेंट, और वो जो है आपको ये लगेगा कि दैट इज ऑफ द लो क्वालिटी. कुल मिला के जो क्वालिटी है आपकी प्रिपरेशन की, वो आपके पार्टिकल साइज के ऊपर या उसकी अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करती है. सेकेंड इज इंप्रूवमेंट इन द डिसोल्यूशन. इंप्रूवमेंट इन डिसोल्यूशन. कोई भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स हैं, अगर उसकी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की जो बायो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी किसी भी जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोल्यूशन रेट एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज. कि अगर किसी डोसेज फॉर्म का जितना ज्यादा पार्टिकल साइज होगा, उतनी ही ज्यादा उस डोसेज फॉर्म की रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगी और उतनी ही बेटर उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी. बायो अवेलेबिलिटी रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या है कि किस रेट से आपके जो ड्रग है वो डिसॉल्व कर रही है और किस रेट से जो है आपकी ड्रग अपनी अपना इफेक्ट हमारी टारगेट साइट के ऊपर डाल रही है, हमारी जो रेट ऑफ एक्सटेंट है टारगेट साइट पे, किस रेट से वो वहां पहुंच रही है ड्रग जहां हमें उसको पहुंचाना है अपने टारगेट साइट के ऊपर, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज. थर्ड इज द इंप्रूवमेंट इन मिक्सिंग. कोई भी अगर जैसे पाउडर्स हैं या कोई भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, जितना छोटा उसका पार्टिकल साइज होगा उतनी उसमें बेटर मिक्सिंग होगी. फोर्थ वन इज द इंप्रूवमेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग्स. एक्सट्रैक्शन से नाम क्लियर है, इंप्रूवमेंट इन एक्सट्रैक्शन. जो आपकी हर्बल ड्रग्स होती हैं, जितनी भी क्रूड ड्रग्स होती हैं, उनकी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं. फार्माकोग्नोसी में आप लोग ये पढ़ भी रहे होंगे. जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जब हम घर में किचन में चाय बनाते हैं तो उस टाइम पे जो हम उसमें हर्बल ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे तुलसी है, अदरक है, या जो ब्लैक पेपर है, दालचीनी है, सौंफ है, तो वो अगर जितना ज्यादा उनका पार्टिकल साइज होगा, जितना ज्यादा उनका छोटा से छोटा साइज होगा, फाइन पाउडर की फॉर्म में होगा, तो उनकी एक्सट्रैक्शन ज्यादा बेटर होगी एज कम्पेयर टू द सॉलिड डोसेज फॉर्म, एज कम्पेयर टू द लार्ज पार्टिकल साइज. क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है कि सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. सर्फेस एरिया इंक्रीज होगा तो सॉल्वेंट के साथ जो सॉल्यूट है उनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इंट्रैक्शन ज्यादा होगी, इंट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उसकी अट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन बेटर होगी.
नेक्स्ट इज द फिफ्थ इज द इंप्रूवमेंट इन स्टेबिलिटी, इंप्रूवमेंट इन स्टेबिलिटी। अब जो ये स्टेबिलिटी का पॉइंट है इसको मेनली हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में मैंने आपको दो टॉपिक्स पढ़ाए थे इसके अंदर, आपको अगर दिमाग में हो। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था इसमें सस्पेंशन और एक मैंने इसमें आपको पढ़ाया था इमल्शन, सस्पेंशन और इमल्शन। तो ये ऊपर वाले टॉपिक्स में रख कर दूं, सस्पेंशन और इमल्शन ये थोड़ा सा टॉपिक है जो समझने वाला है कि स्टेबिलिटी को पार्टिकल साइज कैसे इफेक्ट करते हैं। अब सस्पेंशन और इमल्शन के केस में क्या है, दोनों के केस में पार्टिकल साइज का बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है। पार्टिकल साइज का इफेक्ट अपोजिट कैसे है, जैसे इन केस ऑफ सस्पेंशन सस्पेंशन के केस में क्या होता है, दीज आर सॉलिड इन लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या हुआ, डिस्पर्स्ड फेज विल बी सॉलिड। तो सस्पेंशन के केस में क्या होगा, सस्पेंशन के केस में अगर जैसे सॉलिड है जो लिक्विड के अंदर सस्पेंड किए जाते हैं, डिसॉल्व तो होते नहीं, अगर उनका पार्टिकल साइज बड़ा होगा, अगर तो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, देखिए इसमें सॉलिड का साइज है इसमें, जैसे ये आपकी है लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, ये है लिक्विड और इसमें आपने डाला हुआ है सॉलिड, अगर तो सॉलिड्स का साइज बड़ा होगा तो वो सॉलिड पार्टिकल, जैसे ये मैंने इसमें जो रेड कलर से दिखाए हैं वो सॉलिड है, पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वो इसमें धीरे धीरे सेटल डाउन करेंगे, लेकिन उनको सेटल डाउन करने में उनको टाइम भी ज्यादा लगेगा इस तरह से, और वो एक तरह से लूज एग्रीगेट्स बनाएंगे, एक तरह से लूज एग्रीगेट्स बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पार्टिकल साइज बिल्कुल छोटा होगा सॉलिड्स का, जैसे दूसरा डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ जिसमें पार्टिकल साइज सॉलिड्स का बिल्कुल छोटा है, तो उस केस में वो एग्रीगेट बहुत स्लो करेंगे, ये छोटे छोटे हैं, लेकिन उस केस में जो बिल्कुल ये कॉम्पैक्ट केक बनाएंगे इस तरह से, यहां बनेगा आपके पास कॉम्पैक्ट केक और यहां बनेंगे आपके पास लूज एग्रीगेट्स। जिस केस में आपके पास लूज एग्रीगेट्स बनेंगे वहां उसको आप शेक करके इजिली रिडिस्पर्स कर सकते हैं, तो आप शेक करके इजिली रिडिस्पर्स करके अपने सस्पेंशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां कंपैक्ट केक बन गया तो उसको शेक करने के बाद वो इजिली रिडिस्पर्स नहीं होगी, इसलिए जो आपके सस्पेंशन है इट मीन्स वो अनस्टेबल सस्पेंशन होगी। तो हमें तो अपनी डोसेज फॉर्म में स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसलिए सस्पेंशन के केस में अगर आपके पास फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में सस्पेंशन है तो सस्पेंशन के केस में हम ये प्रेफर करेंगे कि उसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा हो कि उसके लूज एग्रीगेट बन जाए, क्योंकि सस्पेंशन है अनडिस्टर्ब रखने से सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल सेटल डाउन होंगे ही होंगे। नेक्स्ट केस है इसमें इमल्शन का। अब इमल्शन के केस में क्या होता है, इमल्शन दीज आर द ऑयल इन वॉटर या वाटर इन ऑयल डोसेज फॉर्म जो बायफेजिक है, ट्राइफेजिक भी हो सकती है लेकिन हम यहाँ सिर्फ बायफेजिक का एग्जांपल लेते हैं। तो ये लिक्विड इन लिक्विड डोसेज फॉर्म्स है। तो अगर मैं इमल्शन के केस में डायग्राम ड्रॉ करूं तो इमल्शन के केस में क्या होता है कि जो ऑयल है ये आपका वाटर है इसमें, और जो ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर के ऊपर एग्रीगेट्स होते हैं, ऊपर ये इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से, ऑयल पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। अगर हम इमल्शन को थोड़ा टाइम अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो जो ऑयल है वो सारी ऊपर आपके पास उसके ड्रॉप्स आ जाएंगे, इसलिए जितने ज्यादा छोटे होंगे उतनी ही देर में उसकी क्रीमिंग होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रीमिंग। तो अगर क्रीमिंग क्या है, इमल्शन की एक इनस्टेबिलिटी है, तो आपकी इमल्शन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब कि ऑयल के केस में, इमल्शन के केस में वी नीड द स्मॉलर पार्टिकल साइज, we need the smaller particle size
और जो सस्पेंशन है उसके केस में हमें चाहिए, we need the larger particle size as compared to the emulsion of dispersed phase. तो इस तरह से जो पार्टिकल साइज है वो स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है. नेक्स्ट है इसके अंदर एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का फैक्टर, कि एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन को इंप्रूवमेंट इन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आपकी इंप्रूव होगी. अब एड्सॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन तो है एक सरफेस फिनोमेना, और एब्सॉर्प्शन क्या है? एब्सॉर्प्शन आपकी है एक बल्क फिनोमेना. एब्सॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमेना और एड्सॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना. सरफेस फिनोमेना में मोस्टली गैसियस केस में होती है, और बल्क फिनोमेना कोई भी लिक्विड या सॉलिड केस में. तो एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन है वो भी पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के साथ इंप्रूव होगी. नेक्स्ट वन इज द इंप्रूवमेंट इन लुब्रिकेंसी. लुब्रिकेंट्स हम मेनली कहां यूज करते हैं? फॉर द फ्री फ्लोइंग ऑफ द पाउडर, फ्री फ्लोनेस के लिए, फॉर फ्री फ्लोइंग पाउडर्स के लिए. जैसे टैबलेट्स या कैप्सूल्स जब हम बनाते हैं, टैबलेट्स और कैप्सूल जब ग्रास जो इनका जो हॉपर है, जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे कि इनके एक्चुअली जो मशीनरी होती है उसके केस में क्या होता है, टैबलेट्स और कैप्सूल्स के केस में, कि यहाँ ऊपर से ऊपर जो मटेरियल है वो नीचे आपके मोल्ड्स के अंदर गिरता है. तो जब वो गिरेगा तो वो फ्री फ्लो होना चाहिए, अटक अटक के नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी. तो इसलिए हम लुब्रिकेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स भी बिल्कुल रिड्यूस्ड फाइन पार्टिकल साइज में यूज करते हैं, ताकि वो आपकी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस है उसकी फ्री फ्लोइंग पाउडर्स उसको प्रोवाइड कर सके, ताकि आपके जो टैबलेट है या कैप्सूल जो आप बना रहे हो, या जहाँ पे आपको पाउडर की फ्लुएंसी से आपकी डोसेज फॉर्म अफेक्ट हो रही है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे. तीसरे इंप्रूवमेंट इन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आपको मैंने फर्स्ट टॉपिक में भी पढ़ाया था कि जो ये नोवल ड्रग या कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इनका मेन पर्पस होता है कि जो ड्रग है आपकी वो टारगेट साइट के ऊपर मैक्सिमम उसका इफेक्ट अचीव होना चाहिए. तो वो कब अचीव होगा, इसको आप बायो अवेलेबिलिटी से लिंक कर सकते हो, कि जितना ज्यादा पार्टिकल साइज कम होगा उतना ही बेटर डिसोल्यूशन रेट होगा, उतनी बेटर उनकी बायो अवेलेबिलिटी होगी. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मेनली इंप्रूवमेंट में पार्टिकल साइज से, पार्टिकल साइज के रिड्यूस करने से उनके अंदर इंप्रूवमेंट शो होते हैं इन सभी पॉइंट्स के अंदर. नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज. पार्टिकल साइज फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट करती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली अगर हम देखें, फर्स्ट इज कलर. कलर के केस में जैसे एग्जांपल है रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड. अगर रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, ये इसका जो रेड कलर है, इट इज द लार्ज पार्टिकल साइज, और अगर मैं इसका साइज रिड्यूस कर दूं, साइज रिड्यूस करने के बाद इसका जो पार्टिकल साइज है वो छोटा हो जाएगा, और जो इसका कलर है वो येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज अ स्मॉल पार्टिकल साइज, इसका जो कलर है इट विल कन्वर्ट इनटू द येलो. नेक्स्ट इज द विस्कोसिटी. में मैं एग्जांपल ले सकती हूं गम अकेशिया का. गम अकेशिया के अंदर अगर हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर देंगे, तो पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के कारण जो गम अकेशिया है उसकी विस्कोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके अंदर और ज्यादा गाढ़ापन आ जाएगा.
नेक्स्ट जो हम थर्ड एग्जांपल लेंगे इसके अंदर कलर विस्कोसिटी, या थर्ड जो इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सरफेस एरिया, विच इफेक्ट्स द ड्राइंग प्रोसेस, कि जैसे ही हमने पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया इट विल कॉज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा और इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द ड्रग। तो इस तरह से बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं जो मेनली पार्टिकल साइज से अफेक्टेड है। एक इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है दैट इज इरिटेंसी। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो आपकी जो प्रिपरेशन है क्रीम्स हैं पाउडर्स हैं या जो पाउडर, या अगर सीधा एग्जांपल है तो नेजल प्रिपरेशंस हैं, इनहेलेटर्स हैं जो हम अस्थमा पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, नेबुलाइजर्स हैं, तो वो जो डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे तो पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से इट मे कॉज द इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो मेनली हमें पार्टिकल साइज, किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए या ऑप्टिमम पार्टिकल साइज डिजायरेबल रेंज तक अचीव करने के लिए फोर्स करते हैं। तो शॉर्ट में इसको ब्रीफली अगर मैं हम डिस्कस करें, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो ए डी एम ई एडमी सालेम, इम्प्रूवमेंट इन, इम्प्रूवमेंट है साइज रिडक्शन। थैंक यू।